I think ITV and Kartike Sharma has tried some very destructive things in the last few years. Starting in family, starting AC, the first lesson can remember consisting of new form of you. And trying different formats within new brands. It's something that all of us are really find very exciting. So well done and congratulations to Kartike for winning the CEO of the year. I just want to take this opportunity to thank everyone who's contributed. It's been a long journey. We started about 8 years ago. Went through all sorts of things, success, failure. And I really want to thank the jury. I want to thank all my teammates, success, failure. And I really want to thank the jury. I want to thank all my teammates who've made it possible for us to come to this point. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you. Thank you. Congratulations, Mr. Sharma. Very well deserved indeed. Looking forward to some great stuff from ITV Network. Channel of the Year English. नित किया गया आपको बता दें न्यूज टेलीविजन सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया. इंडिया न्यूज के एमडी को मिला है ये सम्मान. 8 साल का सुनहरा सफर और आज वो किस मुकाम तक पहुंचा है ये हम आपको दिखा रहे हैं. इंडिया न्यूज के एमडी कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित जिस वक्त किया गया था वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको दिखाई थी. तो किस तरीके से इन अवार्ड्स में इंडिया न्यूज की धूम रही वो भी हमने आपको दिखाया. 2 अवार्ड्स और फिर ये. इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. वी स्टार्टेड अबाउट 8 इयर्स अगो. वेंट थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सक्सेस, फेलियर. And I really want to thank the jury. I want to thank all my teammates who've made it possible for us to come to this point. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you. Thank you. Congratulations, Mr. Sharma. Very well deserved indeed. Looking forward to some great stuff from ITV Network this year as well. Moving on to our next category, which is Bharat India Business News Channel of the Year English. Who is it going to be? एनवा अवार्ड्स में इंडिया न्यूज का डंका. और आप देख रहे थे इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से आईटीवी नेटवर्क के सीईओ कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया. उन्हें न्यूज टेलीविजन सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया. और इस बेहतरीन मौके पर उन्होंने बयां किया किस तरीके से 8 साल का जो सफर रहा है अब तक आईटीवी नेटवर्क का जो किसी यादगार सफर से कम नहीं रहा है. और उस मुकाम तक वो कैसे पहुंचा वो बता रहे थे. कभी जीत हुई कभी हार हुई लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रही. और वो कहां तक पहुंची ये हम आपको आज दिखा रहे हैं. ENBA एनवा अवार्ड्स में सम्मानित किया गया. न्यूज टेलीविजन सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया आईटीवी नेटवर्क के सीईओ कार्तिकेय शर्मा को. एनबा अवार्ड्स में आईटीवी नेटवर्क की धूम रही. 2 कैटेगरीज में अवार्ड्स और उसके साथ ही साथ न्यूज टेलीविजन सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला आईटीवी नेटवर्क के सीईओ कार्तिकेय शर्मा को. ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं. उन्हें न्यूज टेलीविजन सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया. दरअसल किस मकसद से इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी वो भी आपको बताएं. टेलीविजन इंडस्ट्री में जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें सम्मानित करता है ये एसोसिएशन. और इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ. इंडिया न्यूज के कई शोज जो कि धूम मचा चुके हैं उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया. 2 शोज थे और उसके साथ ही साथ आईटीवी नेटवर्क के सीईओ
कार्तिकेय शर्मा को भी सम्मानित किया गया और इस मौके पर उन्होंने 8 साल के सुनहरे सफर को एक बार फिर से याद किया, एक बार फिर से जीने की कोशिश की और सभी का शुक्रिया भी अदा किया। और इस मौके पर इंडिया न्यूज अपने तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने लगातार इस चैनल को देखा है, प्रोत्साहित किया है और आज यही वजह है कि इंडिया न्यूज बहुत कम वक्त में इस मुकाम तक पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनबा अवार्ड्स में एक बार फिर से इस साल भी इंडिया न्यूज की धूम मची है। आपको बताएं, दो कैटेगरीज में हमारे चैनल को अवार्ड मिला है, वो दो कैटेगरीज भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। किस कैटेगरी में हमें अवार्ड्स मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं, न्यूज टेलीविजन सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड से आईटीवी नेटवर्क के एमडी कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया। एनबा अवार्ड और बाक इंडिया बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम में दरअसल ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा भी हमारा एक और शो था, उससे भी अवार्ड मिला है। तो दो शोज है जिन्हें अवार्ड मिला और इस मौके पर आईटीवी नेटवर्क के एमडी को भी सम्मानित किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर, इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत, जिस वक्त हमारे दो शोज को सम्मानित किया गया था उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक नहीं बल्कि दो दो शोज, एक शो जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं घर एक सपना, एक और भी शो है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे इनडेप्थ सीरीज का बेस्ट इनडेप्थ सीरीज का अवार्ड मिला। इसके अलावा घर एक सपना को भी एनबा अवार्ड मिला है। दर्शकों का प्यार लगातार बना रहा और किस तरीके से एक के बाद एक इंडिया न्यूज हर साल नए मुकाम को हासिल कर रहा है, ये बताने के लिए ऐसे कई अवार्ड्स भी कम पड़ जाएंगे क्योंकि दर्शकों का साथ लगातार हमें मिल रहा है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है। 8 साल का अब तक का सफर किसी सुनहरे ख्वाब से कम नहीं है। इस बार के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एनबा अवार्ड्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आईटीवी नेटवर्क के एमडी को सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें